कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान में अगर सबसे मजबूत आवाज किसी को देनी है तो दलित के उस बेटे को देनी है जो अपनी कलम से देश का भविष्य लिखने जा रहा है। आज उस अम्बेडकर साहब को हम नमन करते हैं और भीमराव अम्बेडकर साहब को सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला, अम्बेडकर साहब के नाम पर कई आंदोलन चले, कई पार्टियां बन गई, उनके नाम पर बहुत से लोग पदों पर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इस भारतवर्ष को जो वरदान दिया, आज सही मायने में 140 करोड़ लोगों को उसको सुनना समझना चाहिए। सिर्फ दलितों के लिए नहीं, ये देश तब आगे बढ़ा है जब पूरा समाज आगे बढ़ा। हम लोगों को अलग अलग कर बांट कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और स्वर्गीय पायलट साहब मेरे स्वर्गीय पिताजी बोला करते थे कि देश का विकास करना है तो गांव गरीब ढाणियों में जो गरीब का बच्चा है, कमजोर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, दलित का बच्चा है, वो पढ़ लिख कर इतना सशक्त बन जाए कि उन कुर्सियों पर बैठे जिन कुर्सियों से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं। सिर्फ चुनाव जीतने से पद लेने से एहसास नहीं होता, अपने हाथों से कलम जो हम लिखते हैं, वो नीति निर्माण जो करते हैं, उन लोगों के दिल में वो दुख और दर्द होना चाहिए दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, नौजवानों के प्रति, वही लोग इस देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज मुझे बड़ा दुख होता है, भाजपा की सरकार केंद्र में है, किस प्रकार के भाषण दिए थे, 7 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर क्षेत्र में उन्होंने देश के साथ धोखा दिया है।